तो दोस्तों आप देख सकते हो ये जो टीवी है ये 21 इंची एक अल्ट्रा स्लिम सैमसंग का अल्ट्रा स्लिम टीवी है। इसका योक कॉइल आप देखिए ये स्क्वायर टाइप योक है, ठीक है, और इसके अंदर एक चौड़ा सा ये बड़ा सा खिचड़ी है। और दोस्तों सैमसंग का जो टीवी है उसका अंदर एक कॉमन प्रॉब्लम आता है, कुछ भी सैमसंग का टीवी हो सकता है। तो दोस्तों ऑल पार्ट्स ओके, तब भी दोस्तों स्क्रीन का अंदर रिक्टेस लाइन व्हाइट रिक्टेस लाइन हाई ब्राइटनेस का साथ। तो दोस्तों ये आपके वीडियो का अंदर रिपेयर करके देखूंगा, मिली न्यू टेक्नीशियन होगा तो आप तुरंत ये प्रॉब्लम को आसानी से रिपेयर कर पाओगे, इसी तरह सिम्टम आएगा तो। तो चलिए मैं सप्लाई देके आपको देखूंगा, ये वीडियो के अंदर भी कुछ अलग से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा मेनली न्यू टेक्नीशियन होगा तो। तो दोस्तों इसका बैक कवर तो मैं ओपन किया, फर्स्ट आपको बताना चाहता हूँ ये सेट डेट था। जब मैं अच्छा करके चेक करके देखा कि इसका आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट मिला, तो ये जो आउटपुट ट्रांजिस्टर है ये आउटपुट ट्रांजिस्टर नंबर यहाँ पर जो था आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ, देखिए TT2206 यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर था, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अलग से एक ट्रांजिस्टर लगाया, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये जो ट्रांजिस्टर मैं लगाया ये ट्रांजिस्टर का नंबर क्या है। चलिए भाई आपको जूम करके दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर मैं लगाया आप खुद ही एक बार देख सकते हो क्लियर आता है कि नहीं, आप कमेंट करके बताइए। दोस्तों क्लियर नहीं आ रहा है, तो इसी तरह देखिए MD2310FX, ठीक है, MD2310FX ये ट्रांजिस्टर मैं यहाँ पर लगाया, लगाने के बाद सेट ऑन हो गया, ठीक है। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली सप्लाई देके दिखाऊंगा, और इसका साथ आपको दिखाना चाहता हूँ, बहुत न्यू टेक्नीशियन कमेंट करता है कि मैं सीरीज लाइन से मैं सप्लाई देता हूँ, ऐसा सप्लाई देने के बाद सीरीज लाइन फुल लो हो जाता है तो उसका प्रॉब्लम क्या है। तो दोस्तों अल्ट्रा स्लिम टीवी होगा तो अल्ट्रा स्लिम टीवी का अंदर सीरीज लाइन से हर टाइम वो नहीं चलता है, जिसका अंदर ये बड़ा सा कॉइल देखा जाता है वो डायरेक्ट लाइन से सप्लाई देना पड़ता है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए सप्लाई देने के बाद आपको कुछ बताता हूँ, देखिए मैं सप्लाई दे दिया। और दोस्तों सैमसंग का अंदर ये जो पीसीबी है इसका अंदर एक रिले है, ये दो तीन बार कट कट करेगा, कट कट करने के बाद इसी तरह स्क्रीन का अंदर लाइट आ रहा है, और देखिए बंद हो गया क्योंकि सीरीज बल्ब देखिए फुल ग्लो हो जाता है, ये लाइट आने के बाद सीरीज बल्ब जब ग्लो हो जाएगा ये इसी तरह बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह प्रॉब्लम है, चलिए मैं सप्लाई ऑफ करके आपको क्लियर करके दिखाऊंगा कि स्क्रीन का अंदर लाइट किस तरह आ रहा है। तो दोस्तों बहुत ही हाई ब्राइटनेस का साथ रिक्ट्रेस लाइन, ठीक है। तो चलिए मैं दोबारा सप्लाई देके आपको दिखाना चाहता हूँ, सप्लाई दे दिया, स्क्रीन पर फॉलो कीजिए, ये देखिए ठीक है हाई ब्राइटनेस का साथ रिक्ट्रेस लाइन। तो दोस्तों ये स्टैंड बाई मोड पर साथ साथ चला जाता है क्योंकि ये जो सीरीज बल्ब जब फुल ग्लो हो जाएगा, मैं सप्लाई ऑफ कर दिया, जब फुल ग्लो हो जाएगा, फुल ग्लो होने का रीजन से इसका जो अलग अलग वोल्टेज होता है ये सब ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। दोस्तों बहुत वीडियो के अंदर इसी तरह कमेंट भी मैं देखा कि सर सीरीज बल्ब जब ग्लो हो जाता है उसी का साथ इसका ESD सप्लाई लो हो जाता है, अलग अलग वोल्टेज लो हो जाता है। तो दोस्तों ये वोल्टेज तो लो होगा ही होगा क्योंकि सीरीज बल्ब के अंदर ये जो लोड ये चला जाता है, ठीक है, और इसी का वजह ये सब वोल्टेज लो हो जाएगा, मतलब आपको डायरेक्ट लाइन देके देखना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको डायरेक्ट लाइन देके दिखाने का पहले, ठीक है, डायरेक्ट लाइन देके दिखाने का, चलिए मैं डायरेक्ट लाइन देख के दिखाता हूँ, क्योंकि दोस्तों डायरेक्ट लाइन देख के दिखने का बाद बहुत कुछ टाइम क्या होता है कुछ फॉल्ट आ जाता है, क्योंकि आपको बताना चाहता हूँ कि जब स्क्रीन का अंदर हाई ब्राइटनेस आ जाएगा तो हाई ब्राइटनेस का बजाय ये जो ESD है ESD का ऊपर लोड आ जाता है, जब ESD का ऊपर हाई लोड आ जाएगा तो ये लोड अलग अलग पार्ट्स के ऊपर डिवाइड हो जाता है, मतलब ये जो आउटपुट ट्रांजिस्टर है जो ट्रांजिस्टर मैं चेंज किया इसका स्विचिंग जो होता है ये और बढ़ जाएगा, स्विचिंग का वजह ये ट्रांजिस्टर ओवरहीट होगा, ओवरहीट का बाद दोस्तों ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो सकता है। तो इसी कंडीशन पर इसी तरह हो सकता है, इसी का रीजन से ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो गया, ठीक है। तो आपको ज़्यादा टाइम मैं सप्लाई देके नहीं दिखाऊंगा, बट सप्लाई देके दिखाऊंगा, जब सप्लाई देके दिखाऊंगा तो ये टीवी बंद नहीं होगा, लाइट स्क्रीन का अंदर मिलेगा, ठीक है। तो ये भी आपको प्रैक्टिकली वीडियो का दिखाना चाहता हूँ, देखिए ये मैं ये पॉइंट से यहाँ पर ये डायरेक्ट लाइन है यहाँ पर सप्लाई देके, चलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ,
दोस्तों कभी कभी रिक्स लेके भी आपको दिखाता हूँ, ये फिर भी आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, फिर भी लगाना पड़ेगा। देखिए दोस्तों ये हाई ब्राइटनेस का साथ रिक्ट्रेस लाइन, देखिए ये जो रिक्ट्रेस लाइन है बट दोस्तों ये टीवी अभी बंद नहीं हो रहा है क्योंकि सीरीज लाइन से मैं सप्लाई नहीं दिया, डायरेक्ट लाइन से देखे आपको टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों ये बंद नहीं होगा। तो ये प्रॉब्लम को कैसे रिपेयर किया जाता है, चलिए मैं सप्लाई ऑफ करके आपको प्रैक्टिकली दिखाना चाहता हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, मेनली सैमसंग टीवी का अंदर जो प्रॉब्लम जो सिम्टम आपको क्लियर करके दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये पीसीबी को उल्टा करने के बाद आप देख सकते हो कि ये जो पीसीबी है इसका अंदर हाई ब्राइटनेस जब प्रॉब्लम हो जाता है, रिक्ट्रेस लाइन दिखा जाता है तो 180 वोल्ट लाइन होता है, जो सैमसंग का 200 वोल्ट के आसपास जो लाइन होता है वो सप्लाई ये जो बेसबोर्ड है इसका अंदर नहीं जाता है। तो इसका जो कॉमन प्रॉब्लम और जो इसका ऑल पार्ट्स ओके है यही आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये जो ESD है, ESD से जो अलग अलग पिन रहता है, देखिए ये आपको आसानी से नज़र में आ जाएगा। ये जो काला वाला लाइन आप देख रहे हो, देखिए जो बड़ा काला वाला लाइन, ये बहुत लंबा सा जो लाइन देख रहे हो, ये 180 वोल्ट का लाइन, ठीक है। और यहाँ पर एक कैपेसिटर है, यहाँ पर एक डायोड है, तो ये डायोड से 180 वोल्ट निकलता है और जो ये जो पॉइंट है यहाँ से एक रेजिस्टेंस है, तो दोस्तों ये फ्यूजेबल रेजिस्टेंस है। और ये जो काला वाला लाइन है ESD का, ये जो पिन है ये पिन का साथ कनेक्शन रहता है, तो ESD का ये जो पिन का साथ कनेक्शन रहता है। यहाँ पर 200V लिखा है, मतलब यहाँ से 200 वोल्ट निकलता है, तो ये जो 200 वोल्ट निकल रहता है ये जो लाइन है इसका अंदर फ्यूजेबल जो रेजिस्टेंस है, हो सकता है ये फ्यूजेबल रेजिस्टेंस ओपन हो जाएगा तो वोल्टेज नहीं निकलेगा, इस तरह प्रॉब्लम आ सकता है। ये जो डायोड है डायोड फॉल्ट हो जाएगा तो वोल्टेज नहीं निकलेगा, प्रॉब्लम हो सकता है। इसका अंदर एक कैपेसिटर रहता है, कैपेसिटर वीक हो जाएगा तो फॉल्ट हो जाएगा, तो तब भी वोल्टेज या प्रॉपर वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा, इसी का रीजन से प्रॉब्लम हो सकता है। बट ये सैमसंग का अंदर जो कॉमन प्रॉब्लम, ये जो लाइन है ये ब्रेक हो गया, ये जो लाइन इसका जो फाइल लाइन है यहाँ से ये जो पॉइंट है, यहाँ से ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट से ये वायर से, ठीक है, ये बेस बोन का अंदर 100 ये जो काला वाला लाइन है यहाँ पर आता है, ठीक है, ये जो काला वाला लाइन है तो यहाँ पर वोल्टेज नहीं है। चलिए मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाता हूँ, वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ, इसलिए मीटर का नेगेटिव कोड मैं यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है। और मीटर को चलिए 200, चलिए मैं 600 डीसी रेंज पर सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब अच्छा करके देखिए मीटर को 600 डीसी रेंज पर मैं सिलेक्ट कर दिया और अभी एक बार सप्लाई देके आपको दिखाना चाहता हूँ। चलिए मैं डायरेक्ट लाइन से ही सप्लाई दे देता हूँ, देखिए सप्लाई दे दिया, कुछ वोल्टेज टेस्ट करके दिखाऊंगा आपको। चलिए इसका ESD सप्लाई अभी कितना है, ये ESD सप्लाई है 120 वोल्ट इसका ESD सप्लाई है। और जो ESD ऑन होने के बाद जो वोल्टेज निकलता है ये जो पॉइंट है कहाँ पर, ये जो डायोड है जो आपको दिखाया, यहाँ पर देखिए 119 वोल्ट, ठीक है, मीटर पर देखिए 119 वोल्ट निकल रहा है ये जो लाइन है। और ये जो लाइन जा रहा है ये नीचे से, ये नीचे देखिए यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है, पूरा जीरो है, 8 वोल्ट आ रहा है। तो ये जो पॉइंट है ये जम्पर का पॉइंट है, यहाँ पर देखिए कुछ भी वोल्टेज नहीं है, ठीक है। और ये जम्पर से वोल्टेज इधर आना चाहिए, इधर भी वोल्टेज नहीं है, इसका क्या रीज़न है चलिए मैं आपको दिखाऊंगा। अभी लाइट है, चलिए मैं सप्लाई ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद आपको बहुत क्लियर करके दिखाऊं कि देखिए इसी तरह प्रॉब्लम बहुत टीवी का अंदर भी आ सकता है, ठीक है। ये जो फाइल लाइन है ये ब्रेक हो गया, ठीक है, ये अब इस तरह करेगा तो आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। तो ये प्रॉब्लम रिपेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो दोस्तों बहुत आसान है ये प्रॉब्लम रिपेयर करने के लिए, सैमसंग का होगा तो, ठीक है। ये जो पॉइंट है डायोड का पॉइंट है, यह से एक्वायर लेके आपको यहाँ पर ये जो पॉइंट है यहाँ पर आपको कनेक्शन करना पड़ेगा। ये जो जम्पर है आप यहाँ पर भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये लाइन ब्रेक हो गया, मतलब ये लाइन का जो फाइल लाइन है इसका जो कनेक्शन ये बीच में आउट हो गया, ठीक है। आप इसी तरह छोड़ा और चाकू लेके भी आप चेक कर सकते हो कि जो पॉइंट है बीच में कुछ ना कुछ पोजीशन पर ये ब्रेक हो गया, ये लाइन ख़राब हो जाता है सैमसंग का अंदर, ठीक है दोस्तों।
तो चलिए, इतना कुछ देखने का भी ज़रूरत नहीं है, इतना कुछ करने का भी ज़रूरत नहीं है, बट आपको वोल्टेज चेक करके दिखा दिया। चलिए एक वायर कनेक्शन करने के बाद ये प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर मैं कनेक्शन कर दूँगा, अब थोड़ा सा वेट कीजिए तभी मैं एक बार देख लेता हूँ। चलिए मैं यहाँ से एक वायर लेके यहाँ पर कनेक्शन करने के बाद आपको दिखाता हूँ। दोस्तों फाइनली आप देख सकते हो ये जो रेड वाला पॉइंट, ये जो कैपेसिटर का पॉइंट है, ये जो डायोड है, यहाँ पर मैं कनेक्शन किया और ये जो फॉइल लाइन यहाँ से ब्रेक हो गया, ये लाइन इधर नहीं आ रहा है और ये लाइन जो जा रहा है यहाँ से, मैं यहाँ पर कनेक्शन कर दिया क्योंकि ये पॉइंट से इधर एक जम्पर है और जम्पर के बाद ये पॉइंट पर इसका कनेक्शन है जो बेस बोर्ड पर वोल्टेज जाता है। दोस्तों यहाँ से यहाँ तक इसका फॉइल लाइन ओके है, तो आपको मैं यहाँ पर ही छोड़ देता हूँ अभी, ठीक है। तो चलिए सप्लाई देखे एक बार दिखाना चाहता हूँ कि इसका प्रॉब्लम क्लियर हो गया है कि नहीं। सप्लाई दे दिया, ठीक है, और चलिए स्क्रीन पर आपको देखना पड़ेगा कि क्या इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है कि नहीं। तो दोस्तों देख सकते हो स्क्रीन का अंदर, ये देखिए नो सिग्नल और ये भी लिखा आ गया और जो हाई ब्राइटनेस वो प्रॉब्लम चला गया, ठीक है दोस्तों। तो और क्या आपको दिखाऊंगा, ये वीडियो के अंदर आपको जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और ये चैनल पर अपना है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो फुल वॉच करने के लिए।